सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ज्ञान धर्म एवं शक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन इसका फल सदैव मीठा ही होता है। कष्ट और विपरीत मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव विजयी होते हैं। कुछ चीजों का हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए अगर वह हमारे सामर्थ्य से बाहर है। आज का पंचांग 12 मई 2022 दिन गुरुवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 6:51 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:39 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मकर राशि 12 मई 2022 दिन गुरुवार, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, विशेषता दोपहर से पहले। अपने ऑफिस संबंधित कामों की योजना अगर हो तो दोपहर से पहले ही बनाए, सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ ना करें या कोई हल्का फुल्का काम करें, कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। यह समय कड़ी परीक्षा वाला है, आप अपने मेहनत और योग्यता से लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने जो नीतियाँ बनाई हैं वह फायदेमंद साबित होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का सदैव आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। जिन बातों पर आप अभी तक ध्यान दे रहे और उसी दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे थे वह आज व्यर्थ महसूस हो सकती है। आपको प्राप्त हुए किसी इनकार का असर मानसिक स्थिति पर नजर आएगा। आज पूरी तरह से खुद पर ध्यान देने की कोशिश करें। नौकरी करने वाले को काम से संबंधित कोई नकारात्मक खबर मिल सकती है। आपके अंदर का अकेलापन बढ़ने की वजह से रिलेशनशिप से रुचि कम होती हुई नजर आएगी। बदन दर्द हो सकता है, फिजियोथेरेपी की सहायता जरूर लें। सावधानियां, किसी भी तरह के उधारी अथवा लेन देन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नजदीकी मित्रों अथवा संबंधियों के साथ किसी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। संबंधों को खराब ना होने दें, इनके लिए अगर झुकना भी पड़े तो कोई हर्ष नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यर्थ ना करें। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। बात करते हैं करियर की। आज कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियाँ आपके समक्ष आएगी और आप इसके लिए बाध्य होने की या परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आज आपके काम की चुनौतियों के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव की स्थितियाँ सामने आ सकती है, लेकिन अपने मालिक की नजरों में आप आएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे और इस चीज के कारण आपके करियर पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आज व्यवसाय संबंधित गतिविधियां मध्यम ही रहेगी। किसी गलतफहमी की वजह से बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है। उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बन रहा है। बात करते हैं सेहत की। आज आपकी सेहत बेहतरीन अवस्था में रहेगी। कोई वेलनेस संगीत सुनने या अच्छी सेहत की इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए घर पर ही अरोमा थेरेपी की योजनाएं बनाएं। घर का कोई सदस्य छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हो सकता है,
और आपको इसकी देखभाल करनी होगी। आज आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा। अनियमित दिनचर्या और खान पान की वजह से स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इससे आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ध्यान रखें आज का उपाय। आज आप साईं बाबा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।